विजिट वीजे लग रहे हैं, विजिट वीजा पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने रिक्वायर्ड करने हैं, एयरपोर्ट पर क्या क्या पूछा जाएगा, शो मनी कितनी है, विजिट वीजा पर जॉब फाइंड करने के बाद क्या वीजा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आ रहे थे कि हमें विजिट वीज़ा के हवाला से गाइड कर दें, तो आज आपका भाई फाइनली विजिट वीज़ा के हवाला से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बताएगा। देखें, विजिट वीज़े ना तो पहले बंद हुए थे ना अभी भी बंद हैं, सही है। बहुत सारे लोग जो हैं पूरे ऑल वर्ल्ड से विजिट वीज़ा पर यूएई आ रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे इंडियन हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं, चाहे अमेरिकन हैं, चाहे जर्मन के आप रिहायशी हैं, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, विजिट वीज़े लग रहे हैं। विजिट वीज़ा 1 मंथ का भी ओपन है, 2 मंथ का भी ओपन है। चूँकि ज़्यादातर ऑडियंस हमारी जो है इंडिया पाकिस्तान से है, तो इसलिए पाकिस्तान से बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पर 1 मंथ के विजिट वीज़ा पर भी आ रहे हैं और 2 मंथ के विजिट वीज़ा पर भी आ रहे हैं। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं आपकी जो है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, पासपोर्ट साइज जिसको पिक्चर कहते हैं, और इसी तरह जो है आपका जो पासपोर्ट है वो आपने पीडीएफ फाइल के अंदर अवेलेबल करना है। अब सवाल ये है कि भाई विजिट वीज़ा अप्लाई कहाँ से किया जाए, तो ज़्यादातर लोग जो हैं ट्रैवल एजेंटों से ही विजिट वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, तो आप ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। अब इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, दिरहम में अगर प्राइस देखी जाए तो ये सेम प्राइस होती है, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब आप ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो ट्रैवल एजेंट के कुछ अपने भी एक्सपेंस होते हैं, तो इसलिए फिर वो अपने मुताबिक इसका रेट रखता है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि विजिट वीज़ा पर जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो ट्रैवल एजेंट आपसे क्या क्या चीज़ें लेता है, तो आपको अगर तो वो जानता है फिर तो ठीक है, फिर तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो आपको जानता नहीं है, चाहे आप इधर से विजिट वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, चाहे आप अपने होम कंट्री से विजिट वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, तो इसमें सीन ये होता है कि ट्रैवल एजेंट एज ए सिक्योरिटी आपसे कुछ पैसे लेता है। जिस तरह के अगर आप इधर से विजिट वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो 1000 दिरहम तक मैक्सिमम भी जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है, जो आपकी मेन फीस है उसके अलावा। अब सवाल ये है कि ये क्यों रखा जाता है, ये भाई इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कोई ओवरस्टे हो जाता है तो ओवरस्टे होने की सूरत में फ़ाइन आता है, फ़ाइन मैक्सिमम भी 1 दिन का 50 दिरहम है। तो ट्रैवल एजेंट ने ज़ाहिर है आपको एक तो वीज़ा दिया और आप अगर ओवरस्टे हो जाते हैं तो उसने अपनी जेब से थोड़ा पे करना है, उसने उन्हीं पैसों से पे करना है जो आपने उसको एज ए सिक्योरिटी पैसे दिए हैं। अब ये जो सिक्योरिटी फीस है ये आपको वापस मिलेगी या नहीं, देखिए दो सूरतें हैं। अगर तो आप विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में दोबारा ये आपका वो रख लेगा एज ए सिक्योरिटी। अगर आपको जॉब मिल जाती है फिर भी आपको वापस मिलेंगे। अगर आप उन्हीं 2 मंथ के अंदर अंदर वापस चले जाते हैं फिर भी आपको वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरस्टे करते हैं आपका जो फ़ाइन आएगा तो ट्रैवल एजेंट इन्हीं पैसों से जो है वो आपका फ़ाइन पे करेगा। तो इस बात को बखूबी समझ लें, वीडियो मुकम्मल आपने देखनी नहीं होती, 1.5 मिनट 2 मिनट वीडियो देखते हैं तो आपको कैसे फिर समझ आएगी, फिर आप कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। तो भाई आप जब वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान ही होगा। अच्छा जी, अब एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, एयरपोर्ट पर आपसे रिटर्न टिकट पूछी जाएगी, रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। होटल बुकिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, शो मनी मैक्सिमम भी जो है वो 3000 दिरहम तक आपके पास होने चाहिए, शो मनी, शो ऑफ मनी, जो आपकी पॉकेट मनी है, जो आपकी वॉलेट मनी है, जो आपने इधर खर्चे करने हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जनाबे वाला आप जिसके पास आ रहे हैं उसका आप रेफरेंस दे लें कि मैं फलां बंदे के पास जा रहा हूं, उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप उनको दे लें। तो ये सारी चीज़ें हैं विजिट वीज़ा के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या विजिट वीज़ा पर आप आएँ तो क्या आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट होगा वर्क वीज़ा में, तो भाई बिल्कुल होगा। अगर आप वाइट कलर जॉब के अहल हैं और जिस कंपनी में आपने जॉब फाइंड की है। अच्छा, बहुत सारे बंदे अब ये पूछते हैं कि जी विजिट वीज़ा पर जॉब क्या मिल जाएगी, तो भाई इस चीज़ की आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि विजिट वीज़ा पर जॉब मिल जाएगी या नहीं। आपने ये ख़ुद तलाश करनी होती है, आपको जॉब प्लेट में रख के नहीं किसी ने देनी, सही है ना।
तो ये आप जब विजिट वीज़ा पर इधर आए इससे पहले ही तैयारी कर लें, जॉब आपने कैसे फाइंड करनी है, लोकेशंस को कैसे हिट करना है, कौन कौन सी कंपनी आपके रिलेटेड है, इसी तरह ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ये पहले ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है जॉब कन्फर्म होगी। अब सवाल यह है कि क्या जॉब लगने के बाद वीज़ा लगेगा? भाई बिल्कुल लगेगा, अगर आप जॉब फाइंड करते हैं, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की ज़रूरत है और कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करे, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर ना आए, तो आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है, जॉब अगरचे मिल जाती है, वीज़ा तो कंपनी ने अप्लाई करना होता है, वीज़ा आपने अप्लाई नहीं करना होता, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर आ गया तो आपका वीज़ा डेफिनेटली नहीं लगेगा। अच्छा, इस टाइम बहुत कॉमन मसला जो है वो लेबर वीज़ा के हवाले से आ रहा है, जो है दूसरी कंपनीज़ में फ्री जोन से हटकर, यानी कि लेबर वीज़े अक्सर नहीं लग रहे। तो आप जनाबे वाला फ्री जोन को टारगेट कर लें, बाहर अगर चाहे वीज़े नहीं लग रहे, अक्सरियत नहीं लग रहे, फ्री जोन को आप अगर टारगेट करेंगे तो आपका वीज़ा लगेगा, ये मैं बिल्कुल आपको अथेंटिक ज़राए से बता रहा हूँ। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई वीज़े बंद हैं, बैन है, वीज़े ना तो बंद है ना तो बैन है। भाई जिस कंपनी में आप आ रहे हैं उसमें अगर तो कोटा मौजूद है, कोटा सिस्टम है ना, तो फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे भाई ये कह रहे हैं कि भाई वीज़े जो हैं वो बंद हैं, बैन है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वीज़े ओपन हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि आपका वीज़ा डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर में आया है, यानी कि जिस कंपनी में आप आ रहे हैं उसमें आपके कंट्री का कोटा फिल हो चुका है, लिहाजा आपका उसमें आना फ़ायदा मंद नहीं है। तो ये थी विजिट वीज़ा के हवाले से मुकम्मल तौर पर डिटेल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।